किस्मों की बात करें तो मौसम्बी की अनेक किस्में हैं, लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से मौसम्बी की खेती या बागवानी के लिए कुछ ही उन्नतशील और संकर किस्मों को उपयोग में लाया जाता है, जैसे हेमलिन, बल्ड रेड, जाफा, पाइन एप्पल, सतगुड़ी, वेलेंसिया रेड, रूबी, वाशिंगटन नोवेल होती है, जिन्हें अपना कर आप एक सफल मौसम्बी उत्पादक बन सकते हैं। अब बारी आती है खेत की तैयारी की। मौसम्बी की खेती के लिए सबसे पहले ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जो बाढ़ग्रस्त बिल्कुल ना हो, क्योंकि जल जमाव को यह पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, यह आपको पता चल ही गया है। पौधों की रोपाई के पहले खेत को दो बार अच्छी तरह जुताई कर उसे पूरी तरह समतल बना लेने की जरूरत होती है, जिससे जल जमाव की समस्या ना हो। पौधों की रोपाई के लिए किसान भाइयों को अपने खेत में एक माह पहले ही 1.5 से 3 फीट लंबाई, चौड़ाई और गहराई वाला गड्ढा तैयार कर लेना चाहिए और उसे खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि धूप लगने से कीड़े मकोड़े मर जाएं। इसके बाद ऊपर वाली मिट्टी को नीचे भर दें और नीचे भाग की मिट्टी में करीब 30 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम दीमक कीटनाशक को मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। इस तरह तैयार गड्ढा पौधा रोपण के लिए पूरी तरह तैयार माना जाता है। साथ ही पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी की बात करें, सामान्यतः पौधों से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी 10 से 15 फीट रखा जाता है। किसान भाई, इसके बाद पौधे को गड्ढे में बीचों बीच रख कर मिट्टी से भर दें और इसकी हल्की सिंचाई कर दें। उर्वरक का बेहतर प्रयोग आपके फसल उत्पादन को 4 चांद लगा सकता है। मौसम्बी के बागों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फलन के लिए उर्वरकों का समय पर उपयोग साथ ही वैज्ञानिक प्रबंधन आवश्यक है। साल भर में 2 बार मार्च और अक्टूबर माह में नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अक्टूबर में फास्फोरस और पोटाश के साथ गोबर की खाद भी डाला जाता है। उर्वरक की मात्रा नाइट्रोजन 75 ग्राम, फास्फोरस 40 ग्राम एवं पोटाश 75 ग्राम प्रति पौधा प्रति वर्ष दें। किसान भाइयों, अगर आप इस प्रकार मौसम्बी की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ रोपण सामग्री, रोपण व्यय, खाद और अन्य रखरखाव को मिलाकर करीब 40,000 रुपए खर्च होंगे। पेड़ लगाने के तीसरे साल से अच्छे खासे फल आने लगते हैं, जबकि 5वें साल से व्यवसायिक उत्पादन होने लगता है। 4थे साल से ही एक पेड़ में 20 से 50 किलो तक फल होने लगता है, जिससे आपकी आमदनी दुनी से अधिक हो जाएगी, जो साल दर साल बढ़ते जाता है।